ठंड के मौसम में सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, जैसे कि कमर में, सर में और घुटनों में दर्द होता ही है। ऐसे में हर घर में अलग अलग तरीके से ये स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं। मैं आपको ये परफेक्ट लड्डू बनाना बताऊंगी। आप इसे एक महीने तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होने वाले। मतलब कि जैसे इसका टेस्ट आज के दिन है, वैसे ही इसका टेस्ट आखिरी दिन तक रहेगा। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सामग्री लिए है। यहाँ पर मैंने एक कप छुहारे लिए है, जिसे कि खारिक भी बोलते हैं। आज मैं आपको ग्राम से और कप से मेजरमेंट बताने वाली हूँ। इसको रेडी करने के लिए देखिए, इस तरह से एक ऊपर का जो छिलका रहता है उसको हटाएंगे, और ये जो बीज रहती है इसको भी हम हटाएंगे, और इसको हम देखिए छुहारे को इस तरह से कट करेंगे, जिससे हम मिक्सर में डालें तो ये आसानी से पीस जाए। 200 ग्राम मैंने छुहारे लिए हैं और 200 ग्राम ही मैंने ये सूखा नारियल लिया है। कप से ये 2 कप नारियल है, इसको हम इस तरह से कट करके लेंगे ताकि मिक्सर में आसानी से पीस जाए ये दोनों चीजें। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नारियल डालेंगे, थोड़ा सा हम छुहारे डालेंगे। इस तरह से डालने से मिक्सर का जो ब्लेड रहता है वो खराब नहीं होता है। इसको हम अच्छे से पीस के रेडी करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका पाउडर बन चुका है। इस पाउडर को हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे, और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए नारियल और जो खारिक है उसको पीस के रेडी करेंगे। ये पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे अगली सामग्री। यहाँ पर मैंने 3 कप मखाने लिए हैं। अगर हम ग्राम में देखें तो ये 50 ग्राम है। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं 50 ग्राम। अगर हम कप से देखें तो ये 1/2 कप है। बादाम लिए हैं 50 ग्राम, ये भी 1/2 कप है। और यहाँ पर मैंने गोंद लिया है और इसको मैंने इस तरह से कूट के लिया है। अगर ये कप से देखें तो ये 1/3 कप है, और ग्राम में ये 80 ग्राम गोंद है। और आपको पता है ये चीज क्या है? इसको बोलते हैं भिलावा, मराठी में इसको बोलते हैं गोडंबी, और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका टेस्ट हल्का मूंगफली की तरह रहता है। अगर ये आपको मिले तो ये लड्डू में जरूर यूज कीजिए, बहुत ही ये सेहत के लिए फायदेमंद होती है चीज। 1 कप लिया है घी। अगर हम ग्राम में देखें तो 190 ग्राम घी है। 250 ग्राम गुड़ लिया है। अगर हम कप से देखें तो ये 1 कप गुड़ है, और इस तरह से कट करके लेंगे। 2 चम्मच लिए है खरबूजे के बीज, 1 चम्मच खसखस ली है, और ये 1 जायफल लिया है। यहाँ पर मैंने 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है, और वजन में ये 100 ग्राम आटा है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जो हमने घी लिया था उसमें से हम 2 चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई में। घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे बादाम, और साथ में डालेंगे ये काजू। सर्दी के दिनों में काजू और बादाम खाने के फायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बादाम हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बादाम से आयरन की कमी भी दूर होती है, और इससे चेहरे पर ग्लो आता है। काजू में प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसीलिए कई बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है ये काजू। काजू और बादाम अच्छा से अभी भून चुके हैं, इसका कलर अभी हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल के एक बाउल में रख देंगे। अब हम इसी घी में डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी। सूखे नारियल और छुहारे का जो हमने पाउडर बना के रखा था वो डाल देंगे अभी कढ़ाई में, और इसको भी अभी हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। सूखा नारियल खाने से दिमाग फुर्तीला और तेज होता है। सूखा नारियल हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। नारियल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। छुहारे खाने से कमजोरी, थकावट दूर होती है, और ठंड में ताकत मिलती है। छुहारे से हड्डियां मजबूत होती है, और खून की कमी भी दूर होती है। ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के साइड में रख देंगे, और इसी कढ़ाई में डालेंगे हम फिर से 1/2 चम्मच घी, और इसमें हम भूनेंगे ये भिलावा के बीज। ये तासीर में बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। इसको अभी हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। भिलावा दिमाग को तेज करता है और भूख को भी बढ़ाता है। अगर आपको ये बीज मिलते हैं तो आप जरूर यूज कीजिए, ठंडी के दिनों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। इसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे।
फिर से हम डालेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद। गोंद को फ्राई करते समय गैस की आंच को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। गोंद खाने के अद्भुत फायदे हैं। गोंद के लड्डू डिलीवरी के बाद खाने से शरीर में मजबूती मिलती है। गोंद खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गोंद अभी अच्छे से फूल चुका है। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे ये मखाने। मखाने को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर अच्छे से भून लेंगे। मखाने खाने से हाथ पैर और घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है और हड्डियां मजबूत होती है, खून की कमी भी दूर हो जाती है। मखाने अच्छे से भूनने के बाद ये बहुत ही क्रंची हो जाते हैं, यह हाथ से बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं मखाने। अब हम इसको भी एक बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम गैस की आंच को बंद करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से साफ करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 खरबूजे के बीज। ये कढ़ाई अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसी में ये खरबूजे के बीज अच्छे से भून जाएंगे। कुछ सेकेंड भूनने के बाद इसी में हम डालेंगे ये खसखस। करीब 1 मिनट के बाद खरबूजे के बीज और खसखस अच्छे से भून चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको भी एक बाउल में निकल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फ्राई की हुई चीजें अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इस गोंद को क्रश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको पीस सकते हैं। इस तरह से क्रश करने से इसका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है लड्डू में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे गोंद को। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है और इसमें हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट फ्राई किए हुए, और इसको भी अभी हम अच्छे से पीस लेंगे। मैंने इसको दरदरा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये पीस के रेडी हो चुका है। इसमें हमने भिलावा के बीज डाले थे इसलिए ये हल्का काला लग रहा है। इसको अभी हम एक प्लेट में डालेंगे। इसमें बड़े बड़े बादाम के टुकड़े हैं, इसको हम फिर से मिक्सर जार में डालेंगे और अब हम पीसेंगे ये मखाने। मखाने को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसको भी हम डाल देंगे प्लेट में। और ये जो क्रश किया हुआ गोंद है इसको भी हम डाल देंगे। सूखा नारियल और छुआरे को भी डाल देंगे इसी प्लेट में। खरबूजे के बीज और खसखस डालेंगे और अब हम सारी सामग्री को अच्छा से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और फिर से हम चलते हैं गैस का तरफ। हमने घी लिया था उसमें से इतना बचा है घी। अब हम इसमें से 1 चम्मच घी को बचाएंगे और सारा घी हम डाल देंगे कढ़ाई में। देखिए 1 चम्मच घी मैंने बचा के रखा है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे जो हमने आटा लिया था वो, और आटे को हम बहुत ही अच्छा से भून लेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और इसको अभी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। आटे को भूनने के लिए करीब 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आटे को भूनते समय घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आटे का कलर अभी बहुत ही अच्छा से चेंज हो चुका है। ये आटा अभी अच्छे से भून चुका है। आटे को भूनने के लिए मुझे बराबर 15 मिनट का टाइम लगा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा से कलर चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी। अब हम गैस की आंच को बंद करेंगे और इसको अभी हम इसी प्लेट में डाल देंगे आटे को, और अच्छा से इसको मिक्स करेंगे इस मिश्रण में। आटे को हम चम्मच की मदद से अच्छा से मिक्स करेंगे और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह से बीच में एक गड्ढा करेंगे और इस प्लेट को साइड में रखेंगे। गैस पर मैंने फिर से वही कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डालेंगे ये गुड़। गुड़ में डालेंगे 2 चम्मच पानी, ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसी में हम डालेंगे जो हमने घी बचा के रखा था 1 चम्मच उसको, और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ अच्छे से अभी मेल्ट होने लगा है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसमें अभी उबाल आने लगा है। गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे
और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अच्छा से एक उबाल आ चुका है। और अब हम गैस की आंच को बंद करेंगे और इसको हम डाल देंगे इस मिश्रण में। छान के डालेंगे, ऐसे ही नहीं डालेंगे, इसमें कचरा रहता है गुड़ में, इस वजह से देखिए मैंने सारा जो गुड़ का सिरप था वो डाल दिया है। और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, गर्म है अभी, इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसको दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिश्रण अभी हल्का ठंडा हो चुका है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा रहते ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू का जो मिश्रण है वो बहुत ही अच्छे से बन रहा है। अब हम इसमें डाल लेंगे एक चम्मच इलायची का पाउडर, और जो हमने एक जायफल लिया था उसको भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा ही जायफल इसमें डालेंगे। जायफल की तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है। और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे हाथ में और इस तरह से इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से लड्डू हमारे बन जाएंगे। जितने हमने सामग्री ली है उस सामग्री में पूरे 1 किलो और ऊपर 100 ग्राम लड्डू हमारे रेडी हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू हमारा रेडी हो चुका है। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के रेडी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सारे लड्डू बना के रेडी किए हैं। आप इस लड्डू को पूरे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इसमें स्मेल नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।